चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए राजनीतिक दल तरह तरह के उपाय आजमाते हैं। उद्योगपतियों से लेकर एनआरआई समुदाय से वित्तीय मदद ली जाती है। आमतौर पर लोग इस पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार की धन जुटाने की मुहिम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कन्हैया इस चुनाव में लोगों से वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं। गौरतलब है कि कन्हैया ने लोकसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन रकम जुटाने का अभियान शुरू किया है। कन्हैया की उम्मीदवारी के साथ ही सीपीआई के नेताओं ने साफ कर दिया था कि चूंकि मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह के साथ है, इसीलिए साधन संसाधन में तो उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लोगों से आर्थिक सपोर्ट के साथ साथ वोट मांगने का अभियान शुरू किया जाएगा। कन्हैया कुमार ourdemocracy.in पर चुनावी खर्च जुटाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। 33 दिनों में 70 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। कन्हैया ने 3 मिनट का वीडियो क्लिप जारी किया है। इसमें कहा है कि मैं बेगूसराय से चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव के लिए मुझे आपसे सहयोग चाहिए। क्राउड फंडिंग के उनके इस तरीके पर विरोधी सवाल कर रहे हैं। बीजेपी के बेगूसराय के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने कन्हैया की रणनीति को नौटंकी करार दिया है। वैसे बिहार के चुनाव में नोट के साथ वोट इससे पूर्व भी कई नेताओं ने आजमाया है। प्रसिद्ध समाजवादी मधुलीमय हो या जॉर्ज फर्नांडिस, इन्हें लोगों ने वोट दिया और नोट भी दिए। तो देखना होगा कि कन्हैया अपने चुनावी मकसद में कहां तक कामयाब होते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।